तो इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पे। देखिए आपके सामने बिल्कुल तस्वीरों में है, यह भोपाल से जम्मू जो कटरा ट्रेन जा रही है और इसमें जो ज़्यादातर जो यात्री हैं माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और एसी कोच वाली ये ट्रेन है। कहीं ना कहीं भारी भरकम जो पैसे के साथ बुकिंग की जाती है और उसके बाद इसको यहाँ पर रोका गया, किसानों के द्वारा ट्रैक जाम कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर ट्रेन को रोकना पड़ा। फिलहाल अभी भी यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुबह 6 बजे से ही ट्रेन यहाँ पर रुकी है। कुछ यात्री हैं जो इस ट्रेन में हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, जो कृषि कानूनों के विरोध में जो किसानों का जो भारत बंद का जो एक कदम है किस तरीके से है, क्या आम लोग इससे परेशान हो रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे। भारत बंद के दौरान ट्रेनें हैं जो वो भी बंद कर दी गई हैं, रेल मार्ग भी जाम कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में। ये कुछ नहीं, ये मतलब जो किसानों के जो भी इशूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ में, तो वो उनको गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट उनको इन्विटेशन दे रही है, उसके साथ मिलके वो उसको सॉर्ट आउट करें। पब्लिक को परेशान करना, पटरी रोक ब्लॉक करना, हाईवेज जाम करना, तो इससे क्या होता है कि उन इनडायरेक्टली वो अपने आंदोलन को ही कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक को परेशान कर रहे हो, पब्लिक की आपके साथ सिंपैथी है, किसानों की रिस्पेक्ट कर रही है, अब आप उसको बार बार उसी पब्लिक को जब मर्जी आपने बंद कर दिया, बंद करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज के सामने जाके आप धरना दो, विधानसभा के सामने दो, नेता के घर के सामने जाके दो, नेता परेशान हो, नेता ब्लॉक हो, नेता अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए। आप क्या कर रहे हो, जो आम पब्लिक है जो अपने किसी काम से जा रही है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को लेके वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 4 दिन की हमने छुट्टी ली है, होटल बुक कर रखा है, आगे से हेलीकॉप्टर के टिकट बुक कर रखे हैं, तो आदमी को पैसे बर्बाद, पैसे के साथ साथ उसको एक अपने इतने बिजी शेड्यूल में जो 4 दिन की छुट्टी मिली है वो, और साथ में एजेड लोग भी हैं, जैसे मेरी मदर साथ में है, मेरी बच्ची साथ में है और एक अंकल हैं और ये सारे 60+ हैं, तो उनके लिए अब इतने देर, अब वो हम सुबह 6 बजे से रुके हैं और बोला जा रहा है कि शाम को 4:30-5 बजे तक मे भी ये क्लोज हो जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे। तो मेरी किसानों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आंदोलन आप करो, लेकिन एक उसको प्रॉपर वे में करो, ऐसा मतलब अगर वही आपका है तो यूपी में आंदोलन का करके दिखा लो आप, योगी चमड़ी उधेड़ देगा, जैसे टिकैत साहब यहाँ बोलते हैं कि दिल्ली में जो उन्होंने किया था 26 जनवरी के टाइम पे जो किया था, तो वैसा जैसे आपने दिल्ली में करा ऐसा वहाँ जाके करते यूपी में। यूपी में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, पब्लिक को आंदोलन के नाम पे ब्लॉक करना, रोड ब्लॉक करना, हाईवे ब्लॉक करना, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ योगी का डंडा चलता है। देखिए ये पैसेंजर थे जिनका स्पष्ट तौर से कहना है कि इस तरीके से रोड जाम करना, रेलवे ट्रैक जाम करना, अपने ही लोगों को, किसान लोग परेशान करें। एक मैम भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कहाँ से आई हूँ मैम? मैं भोपाल से आई हूँ। कहाँ जा रहे हो? वैष्णो देवी जा रहे हैं। कब से रुके हैं यहाँ पे? हम लोग 6 बजे से यहाँ पे हैं और बोला गया है कि 4:30 बजे तक शायद ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग परेशान हैं, यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। भोपाल से जम्मू के लिए, कटरा के लिए जा रहे थे, माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो आम जन हैं, चाहे वो रोड के जरिए जाएं या ट्रैक, रेलवे ट्रैक के जरिए जाएं, तो सभी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जो इस ट्रेन में आए हैं, या उनसे बात करते हैं, इस ट्रेन में आए हैं या कहीं जाने के लिए बैठे हैं। अंकल क्या कहना चाहोगे, कब से बैठे हो यहाँ पे? बैठे हैं 1.5 घंटे से बैठे हैं। अच्छा, कहाँ पे जाना है? जाना दिल्ली और दिल्ली से आगे गोरखपुर तक जाना है। तो किसानों के जो ये कदम उठाया तो सही कदम लगता है? पब्लिक को तबाह कर रहे हैं, सही कदम कैसे कहा जाए, जो है इस आंदोलन करने का तरीका थोड़ा कि आम पब्लिक को इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए कि मरीज हो, क्या कि हम लोग आए थे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए, अब बताइए जो दिल्ली से भी ट्रेन कैंसिल हो जाएगी, मान लो वो तो चलेगी, वो हम पकड़ नहीं सकते हैं कि दिल्ली में रुकेंगे कहाँ। जितने भी लोग हैं सभी ये कहना है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आगे से आगे ट्रेन बदलनी है या किसी का कोई अन्य कार्यक्रम है उसको भी जो पहले ही बुक किया हुआ है, होटल की बात करें, होटल बुक किया तो सभी के सफर का पैसा बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसानों को चाहिए कि सरकार के साथ मिलकर बात करें, या जो किसान जो कृषि से संबंधित जो आंदोलन कर रहे हैं, नेताओं के घर के सामने, मंत्रियों के घर के सामने परमानेंट बैठकर प्रदर्शन करें, ताकि उनको परेशानी हो और आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरण।